यहाँ पे मैंने 250 ग्राम भिंडी लेके उसे अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है। फिर मैंने आगे पीछे का पोर्शन कट करके एक-एक भिंडी में दो-दो पार्ट कर लिया है, ऐसे लंबे-लंबे शेप में इसे काट लिया है। फिर एक मीडियम साइज के प्याज को ऐसे लंबे तरीके से मैंने काट लिया है। फिर यहाँ पे मैंने 2 चम्मच राई, 1 चम्मच खसखस और 5 से 6 हरी मिर्च और एक मीडियम साइज का टमाटर, इसे ऐसे ही बड़े साइज में काट लिया है, क्योंकि इन सभी चीजों का हमें एक पेस्ट बनाना है। सबसे पहले हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। देखिए, ऐसे ही हमें इसे एकदम बारीक फाइन पेस्ट बना लेना है। इसमें 2 चम्मच के लगभग पानी डाल के मैंने इसे अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हम भाजी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है। अब उसमें मैं 1 चम्मच के लगभग तेल डाल रही हूँ। तेल गरम हो जाने के बाद फिर ये प्याज को हम इसमें भून लेंगे। प्याज को हमें 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे सॉटे कर लेना है। प्याज जल्दी से सॉफ्ट और गल जाए उसके लिए मैं यहाँ पे 1/4 चम्मच इसमें नमक डाल दे रही हूँ। ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। प्याज सॉफ्ट हो चुका है, अभी से हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। फिर से उसी कढ़ाई में 1 चम्मच फिर से मैं तेल डाल रही हूँ और तेल गरम हो जाने के बाद फिर उसमें हम ये भिंडी को भी सॉफ्ट करके ले लेंगे। इसे भी मीडियम फ्लेम पे ही हमें अच्छे से सॉफ्ट करना है। इसमें भी 1/4 चम्मच के करीब मैं नमक डाल रही हूँ। पांच मिनट के बाद भिंडी भी अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है, इसे भी हम पैन में से निकाल लेंगे। फिर से उसी पैन में मैं 1 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गरम हो जाने के बाद 1/2 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। जीरा तड़क जाने के बाद 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। फिर से हम थोड़ा 30 सेकेंड भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भून जाने के बाद फिर 1 चम्मच में कश्मीरी लाल पाउडर डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऑयल में। फिर उसके बाद उसमें डाल रही हूँ ये जो हमने पेस्ट बना के रखा है, इसे अब इस पेस्ट को हम लो फ्लेम पे 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, उबाल आने तक। देखिए, मसाले में से तेल सेपरेट होने लगा है। हमारा ये पेस्ट अच्छे से भून चुका है। अब इसमें मैं लास्ट में डाल रही हूँ ये भिंडी जो हमने कुक करके रख लिया था, उसके बाद ये प्याज। आधा चम्मच नमक, ये भी आप ध्यान से डालिए क्योंकि पहले भी हमने प्याज और भिंडी में नमक डाला है। टेस्ट को बैलेंस करने के लिए 1/2 चम्मच शक्कर। इन सभी चीजों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले में भिंडी और प्याज अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब इसे हम 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे कि अच्छे से मसाले सब्जी में मिक्स हो जाए। देखिए, सब्जी हमारी रेडी हो गई है, भिंडी की भाजी। अब इसे हम फ्लेम बंद करके इसके अलग बाउल में सर्व कर लेते हैं। देखिए, रेडी है हमारी भिंडी की भाजी। ऊपर से मैंने थोड़ा हरा धनिया से गार्निश कर दिया है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ, पराठे के साथ सर्व करें, ये सभी को बहुत पसंद आएगा। थैंक यू। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का भी बटन जरूर दबाएं, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।